कांग्रेस की परिवर्तन रैली में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सर्वोदय चौराहे पर किया आम सभा को संबोधित, कहा केंद्र में रंगा बिल्ला तो मध्य प्रदेश में बंटी बबली की सरकार। दरअसल चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जहां बुंदेलखंड में दौरे की शुरुआत बीना से कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव में 150 सीट के साथ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया है, तो वहीं आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव बीना पहुंचे और परिवर्तन रैली के साथ ग्वालटोली में पंचमुखी हनुमान मंदिर और गुरुद्वारे में दर्शन कर सर्वोदय चौराहे पहुंचे। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि केंद्र में रंगा बिल्ला की सरकार है तो वहीं मध्य प्रदेश में बंटी और बबली की सरकार। साथ ही उन्होंने बीना की जीत से ही मध्य प्रदेश की सरकार का आगाज करने की बात कही है। संबोधन में उन्होंने कहा कि सागर जिले में आतंक का माहौल है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं। आज कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखा गया और बीना आए पूर्व केंद्रीय मंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, वीर सिंह यादव, आनंद अहिरवार, पीपी नायक, सतीश तिवारी, इंदर यादव, इंदर सिंह ठाकुर, मनोहर राय, दीनदयाल उपाध्याय, महेंद्र सिंह ठाकुर, अभिषेक बिलगैया, विवेक मिश्रा, अनुराग ठाकुर, गोलू साहू, आशीष चौबे, भाव सिंह यादव, बासु यादव, राम सखी, गीताबाई, राजकुमारी, बसंती, उषाबाई सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली में रंगा बिल्ला की सरकार है और मध्य प्रदेश में बंटी और बबली की सरकार। आप समझ में आई पंडित जी? इस बार मध्य प्रदेश में 100 मिशन 150 हम लोग पूर्ण करके राहुल जी की झोली में देंगे। साथियों, दाव प्रभु सिंह जी ने एक बहुत बारीकी की बात की है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार तो हम 100% बनाएंगे और बीना भी जीत कर जाएंगे और बीना की जीत से ही मध्य प्रदेश की सरकार का आगाज आज हम यहां से शुरुआत हमने की है। इस बुंदेलखंड की धरती पर हमें जो काम सौंपा गया है आदरणीय राहुल जी द्वारा, उसको हम आगे बढ़ाने का काम इस धरती से आज कर रहे हैं और ये मांग हम बिना के लोगों की पूर्ण करेंगे। यहाँ पर मेरा कहा है कि रिंग रोड की आवश्यकता है, रिंग रोड की मांग को भी हम पूर्ण करेंगे। और मुझे जो नौजवान हमारा साथी है जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, उसके लिए भी नई कार्य योजना नए हमारे वचन पत्र में आपके बीच में जरूर हम पूर्ण शीघ्र ही आपके बीच में लॉन्च करेंगे। और सैकड़ों बार सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी यहाँ पर आए होंगे, हर बार मुख्यमंत्री आते हैं, वादा करते हैं और वादा करने के बाद कभी उसको पूरा नहीं करते हैं। और ये मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि जब चुनाव आता है उनको बहन की याद आती है, बेटी की याद भी आती है, उसके जीजाजी की भी याद उसको आती है। जो पुरानी पेंशन बंद हो गई थी उस पेंशन को पुनः चालू करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये मुख्यमंत्री को हमने 2024 के चुनाव के लिए रखा। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी की बहनें हमारी हो, चाहे हमारी नर्सिंग की बहनें स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे हमारे शिक्षा कर्मी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी के शिक्षा कर्मी हो, चाहे हमारा पंचायत का सब सहायक हो, जिसको ये सरकार पिछले 20 सालों से मूर्ख बनाने का काम कर रही है, उन तमाम सरकारी साथियों कर्मचारियों को नियमित करने का काम भी हमारी सरकार आने के बाद हम करेंगे।